सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को संसद से मंजूरी मिल गई है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद बीते दिनों इस पर राष्ट्रपति ने भी अपनी मुहर लगा दी है। संसद में मिली इस मंजूरी के बाद तीन तलाक कानून को लेकर बनी सभी मुश्किलें अब खत्म हो जाएंगी। तीन तलाक कानून को अब 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा, यानी 19 सितंबर 2018 के बाद तीन तलाक से जुड़े सभी मामलों का निपटारा इसी कानून के आधार पर किया जाएगा। गौरतलब है कि मौजूदा सरकार ने इस बिल को 25 जुलाई को लोकसभा और 30 जुलाई को राज्यसभा से पास कराया था। इससे पहले 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में तलाक-ए-बिद्दत यानी तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। डीएनएस में आज हम आपको तीन तलाक से जुड़े मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के बारे में बताएंगे, साथ ही समझेंगे इससे जुड़े विवादित मुद्दों के बारे में। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के तहत तीन तलाक के मामले को अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। विधेयक में प्रावधान है कि मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप से दिए गए तीन तलाक को अवैध और गैर कानूनी माना जाएगा। इसके अलावा विधेयक में प्रस्ताव है कि तत्काल तीन तलाक देने वाले पति को 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। विधेयक के तहत तीन तलाक को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है, जिसका मतलब है कि महिला की शिकायत पर पुलिस बिना वारंट के आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि विधेयक में मजिस्ट्रेट को आरोपी व्यक्ति को जमानत देने का भी अधिकार दिया गया है। आरोपित व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट इस मामले में मुकदमे से पहले तलाक देने वाले शख्स की पत्नी का पक्ष सुनकर जमानत दे सकता है। मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला की रजामंदी के बिना कोई समझौता और जमानत नहीं दे सकता है। विधेयक में इस बात का भी जिक्र है कि पीड़िता के रक्त संबंधी और विवाह के बाद बने उसके संबंधी ही पुलिस में FIR दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा इस मामले को लेकर कोई पड़ोसी या कोई अन्य व्यक्ति तीन तलाक का केस दर्ज नहीं करा सकता है। विधेयक में पीड़ित महिला के गुजारे भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। तीन तलाक से पीड़ित अब कोई भी महिला खुद और अपने बच्चे के लिए गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी। ये गुजारा भत्ता मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया जाएगा, जिसे उसके पति यानी तलाक देने वाले शख्स को ही देना होगा। साथ ही नाबालिग बच्चे को रखने का अधिकार भी पीड़ित महिला के ही पास रहेगा। इस विषय से जुड़े और पहलुओं को समझें, आइए उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर तीन तलाक होता क्या है। तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत, इसे इंस्टेंट तलाक या मौखिक तलाक भी कहा जाता है। मुस्लिम समाज में तीन तलाक के तहत कोई पति अपनी पत्नी से वैवाहिक संबंधों को खत्म करने के लिए तलाक देता है। अक्सर तीन तलाक के मामले मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में देखे गए हैं। आइए अब जानते हैं कि भारत में तीन तलाक मसले को लेकर चल रहे विवाद के बारे में, साथ ही इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बारे में। तीन तलाक को लेकर भारत में पहली बार 80 के दशक में आवाज उठाई गई थी। दरअसल 1978 में 62 साल की एक मुस्लिम महिला शाहबानो को उसके पति ने तलाक दिया था। 5 बच्चों की मां रही शाहबानो ने जब अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की तो उनके पति ने गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। ऐसे में 1981 में तीन तलाक को लेकर शाहबानो का पहला मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने का हक तय किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने संसद से कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया। उस वक्त मौजूदा सरकार ने द मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश जिसके तहत धारा 125 में मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का हक देना तय हुआ था, उसे समाप्त कर दिया। 2016 में एक बार फिर एक और मुस्लिम महिला सायरा बानो ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कई और मामलों के साथ तीन तलाक पर सुनवाई शुरू की और अगस्त 2017 में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। इस मामले पर सुनवाई के लिए गठित 5 में से 3 न्यायाधीशों ने तीन तलाक को समानता का अधिकार सुनिश्चित करने वाले अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया और कहा कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह प्रथा बिना कोई मौका दिए शादी को खत्म कर देती है, इसलिए इसे खत्म करने के लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पहले विधेयक और फिर अध्यादेश लाकर कानून बनाने की कोशिश की। हालांकि विधेयक के राज्यसभा से पारित न हो पाने और फिर अध्यादेश के 16वीं लोकसभा के समाप्त हो जाने के बाद निरस्त हो जाने से एक बार फिर से 17वीं लोकसभा में नया विधेयक लाकर कानून बनाया गया है। सरकार के मुताबिक अरब देश भी तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में कुल 22 देश तीन तलाक को खत्म कर चुके हैं। मिस्र दुनिया का पहला देश है जहां तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी 1956 से ही तीन तलाक पर बैन है। इस सूची में सूडान, साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर और यूएई जैसे देश भी शामिल हैं, जहां तीन तलाक पर प्रतिबंध है। कानून मंत्री के मुताबिक जब मुस्लिम देश तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं को खत्म कर रहे हैं तो भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में भी इसे समाप्त किया जाना बेहद ही जरूरी है। सरकार का मानना है कि तीन तलाक से पीड़ित करीब 70% महिलाएं गरीब परिवारों से आती हैं। ऐसे में बिना किसी कानून के इन महिलाओं को न्याय मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने विरोध किया है। इसके अलावा विधेयक में प्रस्तावित प्रावधानों में सजा के नियमों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि तीन तलाक को गैरकानूनी बनाना ठीक था, लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में रखना गलत है। तीन तलाक को खत्म करने से लैंगिक समानता नहीं आती। इसके पीछे शिक्षा, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दे लैंगिक समानता के लिए जरूरी होते हैं। वहीं सरकार का इस मसले पर कहना है कि इसे अपराध की श्रेणी में रखने का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को जबरन जेल भेजना है। इसका मकसद मुस्लिम महिला के साथ हो रहे अन्याय को रोकना है। इसलिए सरकार ने इसे कानून के जरिए और सशक्त बनाने की कोशिश की है। जानकारों का कहना है कि इस कानून के आने के बाद महिलाओं को लैंगिक बराबरी का अधिकार मिलेगा, साथ ही मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकार भी सुनिश्चित होंगे। इस मामले पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि दरअसल समाज में परिवर्तन की गति धीमी होती है। अगर समाज अपने आप को ठीक करने की स्थिति में न हो तो कानून की जरूरत पड़ती है। सरकार के भी मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से तीन तलाक को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद भी तीन तलाक नहीं रुका था।